ये वीडियो बन रही है फ्रॉम पाकिस्तान, यू मस्ट विजिट लेबनान लेबल। और यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सिख। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, खुश आमदीद, वेलकम और स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में और एक नए व्लॉग में। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं सैदपुर गांव में। तो सैदपुर गांव ये इस्लामाबाद ओल्ड विलेज कहलाता है और ये पूरा पहाड़ी पे बना हुआ है। और ये ऐसे ही विलेज है जैसे भूटान, नागालैंड और नेपाल की तरफ बने हुए गाँव ऊपर पहाड़ियों में कट के। अली भाई अपना इंट्रो करवा दीजिएगा, कहाँ पर इस्लामाबाद में क्या करते हैं आप? मेरा नाम अली है, मैं इधर इस्लामाबाद में सफा मॉल में मेरी शॉप है F7 में। बहुत ज़बरदस्त जगह है इस्लामाबाद, बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोगों को भी मतलब जो जो देख रहे हैं ये वीडियो उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इधर आएँ इस्लामाबाद देखते हैं, जिन्होंने नहीं देखा इस्लामाबाद बहुत प्यारी जगह है। तो लेडीज़ एंड बैग्स तो जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं कराची से या लाहौर से या क्वेटा से पेशावर से, अगर आपको बैग्स चाहिए तो अली भाई के नंबर में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दुकान का ये एड्रेस डाल दूंगा, बैग्स एंड बैग के नाम से। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इनके दुकान के लिख के, तो ऑनलाइन भी आप इनसे अपने बैग्स मंगवा लीजिएगा। तो ये बड़ी अच्छी सहूलत है ऑनलाइन की, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से भी। और इस गाँव की मैं आगे चल कर आपको एक हिस्ट्री भी बताऊँगा। तो ये खुद भाई कराची में रह के आए, भाई नाम बता दें अपना। इमरान हुसैन शाह नाम है इनका और ये कराची में खुद रह के आए। कौन सी जगह पे रहते थे? मैं गुलशन जमाल में रह के, गुलशन जमाल के एरिया में, जोहर के करीब जो मिलेनियम मॉल के पास है वहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सिख, सिर्फ मुस्लिम है आपके? अब सिर्फ मुस्लिम है, पहले हिंदू थे अंदर में, वो यहाँ से चले गए तकरीबन हमारी यादाश्त से पहले की बात है, वो चले गए यहाँ से। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आता उनका, यहाँ पे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। सही। और मंदिर में आते हैं वो भी मुस्लिम ही आते हैं। अच्छा, तो यानी पहले जो था यहाँ सिर्फ मुस्लिम, नवाबादी से पहले हिंदू मुस्लिम सिख साथ रहते थे, मिक्स थे। सैदपुर विलेज काफ़ी पुराना है, 65 में बना था कैपिटल इस्लामाबाद, लेकिन ये विलेज 350 और 400 के आसपास लगभग का पुराना विलेज है। तो CDA ने सिर्फ इसी बिल्डिंग को अथॉरिटी में लिया हुआ है और बाकी जो है यहाँ पे कुछ पहाड़ी के साथ कैफ़े बने हुए हैं जो रात को खुल जाते हैं तकरीबन 5 बजे और रात को 12-12:30 बजे तक ओपन रहते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं ऊपर जाऊँगा नाश्ता कर लूँ, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊँगा। और वो सामने जो पहाड़ी है ऊपर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक भी जाऊँ ऊपर। अभी मुझे ऊपर पहाड़ पर जाना है उस जगह पर जहाँ पर मैंने बताई, तो उसके लिए जाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पानी थोड़ा, रात को जो मैंने टेस्ट किया था वो पानी थोड़ा लाइन का था, वो मुझे रास नहीं आया, तो इसलिए मैं यहाँ पे वाटर यूज़ कर रहा हूँ मिनरल वाटर का। तो आप भी कभी आएँ तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, तो आप मिनरल वाटर ही यहाँ पे यूज़ करें। और यहाँ पे जितने भी मकान हैं सब अपनी मदद आप लोगों ने बनाए हुए हैं। भाई ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? पहाड़ी यहाँ से सीधा। शुक्रिया, आगे जाके लैपटॉप। शुक्रिया। तो मैं हैरान हूँ यहाँ पे ये विलेज देखकर, गांव देखकर, कि लोगों ने किस तरह पहाड़ों के ऊपर काट काट के घर बनाए। और ये बड़ा गेट भी देखे, जैसे शहर के अंदर लगा होता है इसी तरह गेट लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। यहाँ अच्छा, ये बाहर ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर पहाड़ी पे जाने का रास्ता सीधा, ठीक है जी। यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है ना, पूरे इस्लामाबाद का व्यू दिखाई दे रहा है, वही जना मार्केट, जना सुपर मार्केट जहाँ से कल मैं आया था, और शक्करपड़ियाँ, दामने को, सब कुछ यहीं से दिखाई दे रहा है। वो उस तरफ देखें आप पूरा मेरी फिंगर के साथ, और ऊपर बादल, और ऊपर बादल हैं और उस तरफ पूरी ग्रीनरी है पहाड़ों के ऊपर, नीचे घर बने हुए हैं, वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है और एक प्लेलैंड ग्राउंड भी है वहाँ पर, और एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद भी बनी हुई है, और ये पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे घर बने हुए हैं और ये बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। जी मेरे दोस्त, ये विलेज काफ़ी पहाड़ों में बना हुआ है, तो पहाड़ों से उस तरफ मैं नीचे से चलता हुआ वो जो गांव है वहाँ से आया हूँ, और अभी ऊपर पहाड़ी पर जाना है। वो सामने ऊपर एक दरख्त दिख रहा होगा, इससे आगे वाला दरख्त, और उस तरफ भी वो पहाड़ी है, लेकिन मैं इस तरफ दरख्त वाले रास्ते से जाऊँगा। और ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक रास्ता लग रहा है मुझे। गाइस
कंफर्म मैं रास्ता भूल गया हूँ, यहाँ पे फंस गया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। जी मेरे दोस्त, मैं नीचे आ गया हूँ आधे रास्ते में से, क्योंकि काफ़ी मुझे कांटे लगे। ये कांटों वाले नोक वाले दरख्त थे, वो काफ़ी काट रहे थे मुझे। और यहाँ पे लोकल्स के बगैर जाना ना बेवकूफ़ी है। मुझे वो बुलाते हैं। अच्छा, कहते हैं इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, नवाबों की तरह रखेंगे। सही। तो हनीफ भाई ने मेरी वजह से अपनी दुकान भी अकेली छोड़ दी और वो काफ़ी ऊपर पहाड़ी से नीचे तक मुझे लेके आए शॉर्टकट रास्ते से। परेशान कर रहे हैं। जी जी, बच्चा भी मुड़ा है ना, ये हाँ। आपने सीधी पकड़ लेनी है, नीचे जाएंगे बाजार आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपको होगा। जी जी हाँ, बस ये बस यहाँ से आगे, फिर आप आगे मेन रोड आएंगे। शुक्रिया, इंशाल्लाह जिंदगी रही ना, दोबारा जरूर आएंगे अगले महीने या दो महीने बाद। भी जिंदगी रही तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ब्रेक के बाद काफ़ी फ़नी आदमी थे, ऑफलाइन कैमरा, उन्होंने काफ़ी बातें बताई जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था और यहाँ पे बता भी नहीं सकता हूँ। काफ़ी डेंजर आदमी था ये। जी मेरे दोस्त, तो अभी आ चुका हूँ मैं उसी मंदिर की तरफ जो 350 साल पुराना है, 400 साल के आसपास इसकी हिस्ट्री है। और ये जो दो कमरे हैं, इनकी खूबी ये है कि ये सन 1990 में बने, वद लाल शिवदयाल सूरी सैदपुर राम कुंडे वाले ने बनवाए थे 1990 में। तो जो सैदपुर थे ये हिंदू ही थे आई थिंक, क्योंकि ये गांव उन्हीं के नाम पे है किसी के। यहाँ पे बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी कलर कैलीग्राफी हुई हुई है, बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। और ये यहाँ मंदिर की एंट्रेंस है, ये मंदिर की एक एंट्रेंस है, यहाँ से अभी मैं अंदर जाऊँगा। लेकिन अब इस मंदिर को बिल्कुल ख़ाली किया गया है, इस मंदिर को अभी बिल्कुल ख़ाली किया गया है। इसमें कोई भी भगवान या मूर्ति या राम कृष्ण गणेश ऐसा कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। वही बात, अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अबाउट मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद। तो जब ये मास्टर प्लान बन रहा था तो जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान यहाँ साथ हैं। तो बहुत सारी हिस्ट्री है यहाँ पे, जब आएंगे आपको तो ख़ुद भी देख लीजिएगा। अभी मंदिर के बाहर चलते हैं, ये पूरे इस्लामाबाद कैपिटल की इसमें हिस्ट्री बताई गई है। ओके, वन बाय वन इंट्रोड्यूस योर नेम। आई एम अ यूट्यूबर एंड ब्लॉगर, आई ऐड योर दिस क्लिप ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, इफ यू गिव मी अ परमिशन। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? नेम स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। या हेलो, माय नेम इज आयश, आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया, ओरिजिनल इंडोनेशिया। व्हाट आर यू डूइंग इन इस्लामाबाद? आई एम स्टडीिंग इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। Yes, sure. And okay. You, brother? Hello. My name Mugni Ramadan, and we are come from Indonesia. We are studying at International Islamic University of Islamabad. Thank you. Yes, brother, your turn. Hello, my name is Rafi Afnan Shafiq, and I'm from Indonesia, and I'm study in Islamic University Islamabad. Yes, brother, come. Hello. My name is Shukran. I'm from Indonesia, and I'm study in Islamic University. Islamabad. You, your turn. Yes. Hello, my name is Muhammad Fadi Ramadan. I'm from Indonesia. Yes, brother. You, my name is Lukman. I'm from Indonesia, and I study in Islamabad. Okay, thank you, done. Shukriya. Aur ye student hai sab. Theek hai bhai. Okay. Pakistan. Zindabad. Indonesia. Merdeka. What in your language? Indonesia? Yeah. Merdeka. Okay. Indonesia? Merdeka. Pakistan? Zindabad. Merdeka. Pakistan? Zindabad. Merdeka. Okay. Pakistan? Merdeka. Okay. Kya naam hai? Aman. Hindu or Christian? Christian. क्या नाम है आपका? अमार। अमार, अमार। क्या नाम है?
Daniel. जी Daniel. आपका क्या नाम है? Smile. Smile. यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और कैमरे को देख के काफी खुश हो रहे हैं और मौज मस्ती में आ गए हैं। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? कमरान नाम है। कमरान, क्रिश्चियन हो आप? जी। कितने घर क्रिश्चियनों के हैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा है, हमें नहीं पता। अच्छा, करीबन 50-60? हाँ। चलो सही है, सही है, खेलो क्रिकेट। आज मुझे ये पहाड़ क्लाइम करना है, वो जब